नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इट्स सुमित कुमार में। आज की इस वीडियो में, ड्राइविंग की सीरीज में, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब हम गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद रोकते समय दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या आती है कि आप पहले क्लच दबाएँ या ब्रेक दबाएँ, क्लच दबाएँ तो कितना दबाएँ, ब्रेक दबाएँ तो कितना दबाएँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ड्राइवर को। और इस कारण चलाते समय तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप गाड़ी को रोकने जाते हैं तो आप गाड़ी को बंद करके बैठ जाते हैं या गाड़ी में झटका दे देते हैं। इससे अपने को कॉन्फिडेंस में कमी तो आती ही आती है, साथ में गाड़ी के इंजन और सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ कि आप गाड़ी को स्मूथली कैसे रोकें, पहले क्लच दबाएं या ब्रेक दबाएं या दोनों को साथ में दबाएं या दबाएं किस तरीके से दबाएं, उसके बारे में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। गाड़ी को रोकने से पहले आपको गाड़ी के बारे में एक चीज़ अच्छी तरीके से समझनी होगी कि गाड़ी के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, पांच फ्रंट गियर है और एक रिवर्स गियर है। तो इन पांचों गियर की अपनी अपनी एक मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड लिमिट होती है। तो बेसिकली जब हम किसी गियर में गाड़ी को रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में 10 की स्पीड पे चल रही है, तो वो उस, फॉर एग्जांपल अगर 10 उस गियर की मैक्सिमम लिमिट है, तो आपको चलती ही गाड़ी में केवल ब्रेक लगाना है। और जैसे ही गाड़ी उस गियर की मिनिमम लिमिट जो कि 8 किलोमीटर है, तो 8 की स्पीड पर आप क्लच को दबा दें और साथ में ब्रेक को दबा दें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका गाड़ी को रोकने का होता है, वो ये होता है कि आप पहले पूरा क्लच दबा लें, चाहे आप किसी भी गियर में लगे हों, और क्लच को दबाए रखने के साथ हल्के हल्के आप ब्रेक प्रेस करें तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी गाड़ी रुक जाती है, आप गियर लीवर को न्यूट्रल में शिफ्ट कर दें और क्लच को छोड़ दें। तो दूसरा तरीका गाड़ी को रोकने का ये हो गया। और ये दो ही तरीके हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप गाड़ी को यदि रोकना चाहते हैं तो क्लच को दबाएं, पहले न्यूट्रल में शिफ्ट करें और फिर इसे छोड़ दें और इस आप ब्रेक से आप धीरे धीरे गाड़ी को रोकें। तो ये तीन तरीके हैं गाड़ी को स्मूथली रोकने के लिए। और अब इन तीनों तरीकों को मैं आपको प्रैक्टिकली करके, तो हमने अभी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और आपको मैं सबसे पहला तरीका, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ गियर के आधार पे आप गाड़ी को रोकते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्लच दबाया, ये मैंने पहला गियर लगाया और अभी आप देखेंगे कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मैंने अब गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये मैंने दूसरा गियर लगा दिया है। गाड़ी की स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो गई है और मैंने ये ब्रेक दिया है। और अब गाड़ी की स्पीड 10 के आसपास हो गई है, मैंने क्लच दबाया और साथ में इसे रोक दिया और ये गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और इसे छोड़ दिया और हैंड ब्रेक इंगेज कर दिया। तो पहला तरीका तो ये था कि मैंने गाड़ी को किस तरीके से रोका। अब दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पीड में हो, तो आप गाड़ी को आगे बढ़ाई, मैंने ये मैंने दूसरा गियर लगाया, ये मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी 30 तक लेके गया और अब मैंने फुली क्लच प्रेस कर दिया। गाड़ी अभी भी गियर में है और ये ब्रेक को दबा दिया, केवल ब्रेक से मैंने गाड़ी को रोक ली और अब मैंने इसे न्यूट्रल कर दिया और क्लच छोड़ दिया। ठीक है, तो आपने देखा इसमें पूरे समय मेरा क्लच इंगेज रहा, मतलब कि जो व्हील से इंजन से डिसकनेक्टेड थे, तो गाड़ी इजीली रुक गई, कोई झटका नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। और जो तीसरा तरीका है, उसमें क्या करना रहता है आपको कि मैं, ये जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगाया, दूसरा गियर लगाया, गाड़ी 20 की स्पीड में है और मैंने क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और गाड़ी अभी भी आगे बढ़ रही है और अब मैं
इसे ब्रेक से कंट्रोल करूँगा और ये मैंने गाड़ी रोक दी। तो तीसरा तरीका ये था। तो ये थी दोस्तों गाड़ी को रोकने के कुछ तरीके। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं। बाकी यदि आपको कार सीखने से रिलेटेड यदि कोई कंफ्यूजन है, यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलेंगे हम ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।